लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट का गुरुवार को विस्तार तो किया गया, लेकिन नए मंत्रियों को देखकर लगता है कि बीजेपी का सबसे ज्यादा ध्यान प्रदेश में होने वाले उपचुनावों पर है। उपचुनावों में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की रणनीति के तहत ज्योतिरादित्य सिंधिया को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया, जबकि बीजेपी के अपने पुराने नेताओं को कैबिनेट में कम भागीदारी से संतोष करना पड़ा है। मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं है, केवल ये मध्य प्रदेश के जनसेवकों का विस्तार है। जो 15 महीने में हमारा अनुभव रहा है, जहां सिंहासन पकड़ने के लिए हर कश्मकश, हर तरीके के गलत तरीके का इस्तेमाल किया गया था, आज शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, नड्डा साहब के आशीर्वाद से, अमित शाह जी के आशीर्वाद से, शिवराज सिंह जी का जनसेवकों का की सेना का गठन हुआ है। और मेरा एक ही निवेदन है हमारे सारे सम्माननीय जनसेवक मंत्रियों से कि मध्य प्रदेश की आवाज़ को हमें बुलंद करना है, किसान, गरीब और हर एक वर्ग के लोगों का उत्थान के लिए हम लोगों को संकल्पित होना है। शिवराज कैबिनेट में आज जिन 28 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, उनमें से 9 ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं। तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह पहले से ही मंत्री हैं। इस तरह सिंधिया समर्थक 11 पूर्व विधायकों को मंत्री बनाया गया है। सिंधिया के साथ कुल 22 पूर्व विधायकों ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा था। इनमें से आधे मंत्री बन चुके हैं, बाकियों में से कुछ को निगम मंडलों में एडजस्ट किए जाने की चर्चा है। सिंधिया समर्थकों को एडजस्ट करने की कोशिश में बीजेपी के पुराने नेताओं को मंत्री पद से वंचित रहना पड़ा है। बहरहाल बीजेपी आलाकमान ने पार्टी के पुराने नेताओं को दरकिनार कर नए चेहरों को मौका तो दे दिया है, लेकिन इससे पार्टी के पुराने नेताओं में असंतोष से इनकार नहीं किया जा सकता।